नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी को पता है कि केस स्टडीज़ मैं मेरे चैनल पे लाता रहता हूं ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं और बिजनेस करने का ऑनलाइन कुछ नया तरीका आप सभी को बता सकूं। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, सिर्फ 25 से 26 साल के हमारे विदित आते और संजीव बनवाल ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। क्यों, कैसे, कब, ये सब आपको समझना चाहिए। दोस्तों, मीशो आप सभी जानते हैं, मीशो एक रीसेलर ऑनलाइन ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन मीशो के पीछे की स्टोरी भी शायद आपको समझनी चाहिए और मीशो के पीछे की स्टोरी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जो हमारे दो यंगस्टर हैं, जो इस टाइम इंडिया की जो जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर जो घर पे बैठे महिलाएं हैं, उनको एक होम वर्क या फिर एक होम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम, संजय बर्नवाल और विदित आर्तय, ये दोनों ही मतलब इस टाइम करोड़ों तो कमा रहे हैं लेकिन दूसरों को भी लाखों कमाने का एटलीस्ट मौका दे रहे हैं, ठीक है। मेशो का प्रमोशन आपने हर चैनल पे देखा होगा दोस्तों, लेकिन केस स्टडी आपने शायद ही कभी सुना होगा या देखा होगा। इसके पीछे की स्टोरी प्लस इन्होंने कैसे खड़ी की अपनी कंपनी, और सिर्फ महज ये 25 या 26 साल के ही हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आप मतलब आपके और हमारे उम्र के, मैं तो खैर छोटा हूँ, इतना बड़ा भी नहीं। तो इनका जो स्टार्टअप है, वैसे आपको इनके स्टार्टअप से और इन्होंने जब शुरू किया था इससे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। कैसे शुरू किया इन्होंने किया और कैसे फेल हुए, स्टार्टअप कैसे किया और कैसे इनके दिमाग में नया आइडिया आया, कैसे फाइनेंस लाया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें इनके पूरी केस स्टडी में जानेंगे, समझेंगे। और आप लोग भी, अगर आप लोग का एक नया स्टार्टअप है, डेफिनेटली आप अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किया आपने, तो आप लोग स्टार्टअप ही हैं एक तरफ से देखा जाए तो। आपका नया ही मतलब जो स्टार्ट नया आइडिया ही रहता है, मतलब आप उसमें हर बार फेल होते हो कुछ नया करते करते और कुछ नया सीखते भी हो। यहाँ तक ये सब कोई जानता है कि जो भी सक्सेसफुल आदमी होता है उसके पीछे बहुत मतलब वो कितनी बार फेल हो चुका रहता है, बाद में वो सक्सेस होता है, ठीक है। फिर चाहे कितना भी बड़ा आदमी कोई क्यों ना, पहले फेल ही होता है, बाद में सक्सेस होता है, ठीक है। क्योंकि फेल होने से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब भी आप कुछ बिजनेस करते हो और जब फेल होते हो, बहुत बुरी तरीके से फेल होते हो ना, तो सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है और इसी फेल से सीख के आप लाइफ में और आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। इसी तरह सेम इनके साथ भी हुआ था। 2015 में इन्होंने एक फैशनिया नाम का वेबसाइट या एप्लीकेशन आप कह लीजिए इन्होंने लॉन्च किया। और उस टाइम मतलब ये एक फैशनर टाइप के जो टूल्स रहते हैं जैसे क्लोथ्स, ज्वेलरीज, ये सब वो सेल करते थे उस वेबसाइट पे, ठीक है। 2015 की बात बता रहा हूँ। एक्चुअली ये दोनों ही IIT ग्रेजुएट, दोनों ही लड़के हैं, दोनों मेरे भाई हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे यंगस्टर्स की बात करता हूँ। तो इनका जब स्टार्टिंग हुआ तो स्टार्टअप में ही ये फेल इसलिए हो गए क्योंकि जब इन्होंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया था, आप सभी को पता है उस टाइम अमेजोन और फ्लिपकार्ट, 2015 में अमेजोन और फ्लिपकार्ट इतने ही बूम और मतलब मार्केट में काफी अच्छे से छा गए थे अपने इंडिया में, ठीक है। और उस टाइम इन्होंने स्टार्टअप किया था और ऑनलाइन से कुछ टूल्स वगैरह, ये कह लीजिए जो हम ज्वेलरीज रहती हैं या कुछ फैशनियस टाइप का इनका वेबसाइट था, तो उसी टाइप पे वो सेल करते थे। लेकिन बिल्कुल फेल हो गए बिकॉज उतना ज़्यादा चल नहीं रहा था। कैसे चलेगा दोस्तों जब ऑनलाइन ऑलरेडी ऑनलाइन मार्केट में इनसे बेस्ट कंपटीटर जो अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, तो अब भला कोई क्यों इनके वेबसाइट पर आके कुछ बाय करेगा। एक तो ट्रस्ट नाम का भी फैक्टर होता है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा रिसर्च R&D किया। R&D का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचा, सर्च किया, समझा इस चीज को, और फिर इन्होंने 2016 में लॉन्च किया मीशो, ठीक है। मीशो एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है ये आप सभी जानते हैं। मीशो एक रीसेलर ऑनलाइन ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, मतलब कि अगर इस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हो तो इनके कस्टमर भी आप हो और एम्प्लॉय भी आप ही हो। समझने की बात है कि आप इनके लिए ही वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आप इनके कस्टमर भी हो। ये पैसा भी आपसे ही लेंगे और पैसा भी ये आपको ही देंगे, समझने वाली बात है। और अक्सर इसे कुछ लोग एफिलिएट भी कहते हैं, लेकिन एफिलिएट एक अलग प्रोग्राम हो गया, रीसेलर ऑनलाइन ई कॉमर्स एप्लीकेशन ये अलग है, ठीक है। तो होता ये दोस्तों, अभी जब इन्होंने वर्क स्टार्ट किया तो इनके एप्लीकेशंस के थ्रू, उस टाइम अब जब इन्होंने स्टार्ट किया था, उस टाइम नहीं, उसके पहले भी, और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ मतलब किसी अदर स्टेट में, जो हमारे स्टेट में काफ़ी महंगी मिलती है या हमारे स्टेट में नहीं मिलती है, तो अदर स्टेट से वो प्रोडक्ट हम लाके अपने कम्युनिटी में उससे थोड़ा हाई रेट में सेल करते हैं अपना मार्जिन निकाल के, यानी कि हमें प्रॉफिट हो सके। समझ के चलिए कि सूरत में अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, और मैं पुणे में रहता हूँ, यहाँ पे साड़ियाँ मिलती हैं पर महंगी मिलती हैं, ठीक है। और जो क्वालिटी वहाँ पे मिल जाएगी वो क्वालिटी के साड़ी हमें यहाँ पे नहीं मिल पाएंगी, प्लस कुछ डिजाइनिंग फैशन वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वहाँ से साड़ी मंगाए, अच्छे खासे थोक में मंगा लिया, और मैं मेरी कम्युनिटी जो है इनको शेयर कर रहा हूँ अपना एक छोटा सा मार्जिन लगा के। समझो मैंने 100 रुपये में खरीदा, मैं 150 में बेच रहा हूँ, 120 में बेच रहा हूँ, तो वो मेरा मार्जिन हो गया, ठीक है।
तो इस तरह करके पहले के भी लोग आज भी सब लोग सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये भी होता है कि अगर सामने वाले ने नहीं खरीदा तो आपका माल लाया हुआ बिल्कुल खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा या आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो मेशो ने इस प्रॉब्लम को अपनी अपॉर्चुनिटी समझ के अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आसपास में, या आप उनके ही प्रोडक्ट को जो जहां मिलते हैं, मतलब इनके इस टाइम इंडिया में अबाउट 25,000 तो इनके खुद के रिसेलर्स स्टोर्स हैं, आप कह लीजिए इनके सप्लायर्स भी हैं, और इनके रजिस्टर्ड यूजर अबाउट 20 लाख है जो खुद के इनके प्रोडक्ट को रिसेल करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसी प्रॉब्लम को अपने इसका सोल्यूशन अपने एप्लीकेशन में दे दिया कि आप प्रोडक्ट वहां से जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं, जो भी वहां पे उस स्टेट में है, उसको आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू व्हाट्सएप पे, मतलब वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद अपना ओरिजिनल प्राइस वहां पे बता दीजिए, और आप क्या मार्जिन रखना चाहते हैं अपना वो बता के, मतलब कस्टमर को सामने क्या दिखाना है कि वहां से आप व्हाट्सएप लिंक को जनरेट करेंगे, वो आप सामने वाले कस्टमर जिसको देना चाहते हैं उसको शेयर करेंगे। तो उसको अगर वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो अगर वो बाय करता है, समझिए 150 का साड़ी, आपने 50 रुपये मार्जिन रखा है, तो आपको सीधा आपके अकाउंट वैलेट में मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है रिसेलिंग, मतलब आप रिसेलिंग देखिए, रिसेलर जो शब्द है ना, ये समझना पड़ेगा आपको और अच्छे से। रिसेलिंग के ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बना के बता सकता हूँ, रिसेलिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे सीखने को हमें ये चीज़ मिलता है। हालांकि मीशो इस टाइम और बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है ऑनलाइन ई कॉमर्स रिसेलिंग के, इसमें देखा जाए तो मीशो और भी एक दो एप्लीकेशन है जो इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं, और ये तो खैर अभी अमेजोन ने भी ला दिया है। आप लोग चाहो तो अपने आपके आसपास कोई अच्छा स्टोर है, अगर आपके आसपास कोई अगर अच्छा शॉप है, तो आप उनके प्रोडक्ट को अपने अमेजोन का भी है या फिर मीशो में भी लिस्ट कर सकते हो, उसमें अपना मार्जिन लगा के सेल कर सकते हो सामने, ठीक है। रिसेलिंग का अभी जो, मतलब अगर अब मैं कहूँ कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा आइडिया नहीं है कि आप कैसे अर्निंग करोगे, तो रिसेलिंग इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। देखिए रिसेलिंग में दो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े ही ध्यान से सुनिए, आपको शायद समझ में आए और आप सीख जाओ। फर्स्ट, अगर आप मीशो ऐप, हालांकि मैं ये प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आप मीशो ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आप उनके प्रोडक्ट को रिसेल करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर एक बड़े प्लेटफॉर्म की बात करूँ जैसे अमेजोन, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपना खुद का ऑनलाइन दुकान खोल सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन स्टोर आप अमेजोन पे अपना स्टोर लिस्ट करा के, और आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं भी है, फिर भी आप जो आपके आसपास जो बेहतरीन चीज़ है, जो सस्ते दाम में मिलती है, वो लिस्ट करके अपना मार्जिन सेट करके आगे सामने सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कस्टमर डिलीवरी की कि उसको कैसे मिलेगा, तो कस्टमर डिलीवरी का ऑप्शन ये लोग खुद आपको दे देते हैं। आपके घर पे आके कस्टमर जो डिलीवरी बॉय रहता है वो सामान लेकर जाएगा, सामने वाले को देगा, जो बीच का जो मार्जिन रहता है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रिसेलिंग के बारे में डिटेल में समझिए, और अच्छा है, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें बिना पैसे लगाए आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफी लोग कर रहे हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ आप लोग भी करना चाहिए, जिस तरह मीशो इस टाइम सक्सेस हुआ, ये सिर्फ दो यंगस्टर्स, तो शायद आप भी सक्सेस हो सकते हैं, और ऑनलाइन ई कॉमर्स के ऊपर शायद आपको ज्यादा इस टाइम फोकस करना चाहिए। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब कोई आप बिजनेस ओपन करते हैं कोई भी, ठीक है, अगर वहां पे आप सोचेंगे स्टार्टिंग में, मतलब एक तो आप कंपटीशन में उतर गए हैं, ऊपर से धीरे स्लो रन करेंगे तो मार्केट में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना ये है कि जब भी आप कोई एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो उसमें रेफरल प्रोग्राम रहे या फिर कुछ कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो, तो ज़्यादा मज़ा आता है, सामने से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है, क्योंकि कस्टमर भी वही आपका बनता है खरीदने वाला, और वो बेचने वाला भी वही बन जाता है, जैसे कि मीशो ने इस टाइम किया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके अगर और भी केस स्टडीज आप चाहते हैं, हालांकि देखिए ये लोग भी फेल होकर सक्सेस हुए हैं, ठीक है। इन्होंने भी स्टार्टिंग में जो ऐप जो वेबसाइट ओपन की थी, जहाँ पे टूल्स वगैरह, मतलब जो अपने ज्वेलर्स के जो भी हम शॉप करते हैं वो सब चीज़ें सेल करते थे, बट बाद में इन्होंने एक अच्छा जो मेजर प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व किया, और इस टाइम एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं मार्केट में, ठीक है। तो आपको भी इसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए इनकी बातों को, और इनके ही जैसे अभी हमारे देश को ऐसे लड़कों की ज़रूरत है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, लाइक जरूर करके बताइए क्या है कमेंट में। अगर मेरे से कुछ और आप जानना चाहते हैं इस विषय में, तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।